मेरी चाहती हुई मेरी बहन शमी महाराणा जी जो जम्मू कश्मीर हमारे हमारे फख्र की बात है। शमी महाराणा जी महाराणा जी चले चले चलो चलो बैठो यहाँ पे आए कि मतलब कल वो हम कुछ कर सके उसके लिए हमको हमें भी कुछ फायदा मिले उसका है उनसे मशवरा ले उनसे काम ले कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया यहाँ तक आने वो यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंची है। जी को बताओ ये पहले मेरा नाम ही बोल गई पहले कोई बात नहीं कोई बात मेरे सीनियर साथी आप और सायरा जी और आज आपको और क्या इसमें पाई तक मिल तक आप पहुंचाएंगे इस पोस्ट को? थैंक यू वेरी मच आपने मेरा मुझे मुबारकबाद की। एक्चुअली जो मेरा करियर है कांग्रेस पार्टी को लेके मैंने 1997-98 से स्टार्ट किया था और मैं आज तक मुख्तलिफ अहदों पे फाइज थी और मेरी हमेशा कोशिश थी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है सेक्युलर पार्टी है और डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में और हमेशा मैंने कभी पार्टी बदली नहीं और हमेशा मैं कांग्रेस को ग्रास रूट तक मजबूत करती रही और मैं हमेशा अपने जो हमारे कायद थे पहले हमारी सोनिया गांधी जी थी राजीव जी थी थे और आज खड़गे जी है मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले मैडम सोनिया गांधी जी का फिर हमारे खड़गे जी का फिर मैं राहुल गांधी जी का जिन्होंने हमें एक राह दिखाई उम्मीद की किरण दिखाई और प्रियंका गांधी जी का विनय गोपाल जी का और हमारे रजनी पाटिल मैडम का और मेरी जो हमारी नेटा डिसूजा मैडम है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेजिडेंट है और खासकर जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है विकार सुलवानी साहब मैं इनको दिल की अमी गहरों के साथ मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा मुझे आज उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर का बना दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनके उम्मीदों पे उतरूँ। जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत सारे टास्क दी गई जैसे मैं पहले यूथ कांग्रेस में थी उसके बाद मुझे महिला कांग्रेस में एज अ वाइस प्रेजिडेंट थी मैं JKPCC की जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ और मैं फिर DRO रही हूँ फिर APRO में हिमाचल की भी रही हूँ फिर मैं इंचार्ज हिमाचल और यूपी वेस्ट की भी रही हूँ और महिला कांग्रेस की ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी रही हूँ ACC की मेंबर। आज मौका आया कि मैं आज अपने स्टेट की खदमत करने के लिए फिर वापस आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ जो यहाँ पे इश्यूज होंगे हमारे पूरे महिला कांग्रेस के और जो हमारे ग्रास रूट पे पूरी कोशिश करूँ जो उन्होंने मेरे लिए मुझे टास्क दिया है ये कोई आसान बात नहीं है। आजकल हम सप्ताह में नहीं हैं लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं पूरा वादा करती हूँ अपने PCC प्रेसिडेंट को और पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस को खासकर राहुल जी को मैं पूरा वादा करती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट लेवल तक काम करूँगी।